हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर पेरिला स्पॉट। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो तो वेलकम टू माय फेसबुक पेज कबीर पेरिला स्पॉट। गाइस, इस वक्त मैं हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर मेपी में, मेपी का एक मतलब रिवर का सामने में हूँ और वहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इस वीडियो का मतलब कहाँ से मैं कैसे आया तो मेरा आगे वाला वीडियो देखने से आप लोग को मालूम चल जाएगा। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, वो माइंड ब्लोइंग व्यू है उसका, उस व्यू को मैं अभी आप लोग के साथ फुल शेयर करूँगा। अभी मैं और एक लोकेशन में जा रहा हूँ, वहाँ से भी व्यू अच्छा आता है, उस व्यू का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा स्लिपरी है, दोस्त लोग सब वहाँ तक ही आए हैं, वहाँ तक वो लोग फोटो खींच रहे हैं, लेकिन क्या हो गया ना, यहाँ पे पानी बहुत है, गिरने का तो चांस कम है, लेकिन अगर जूता गिना हो गया ना तो सारा कहीं नहीं ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़बरदस्त है। मेपी जो अभी इस वक्त मैं मेपी से लगभग 4 या 5 किलोमीटर मतलब 4 या 5 किलोमीटर पीछे में हूँ। मेपी अगर जाता रहा तो अच्छे लगता रहा, क्योंकि मेरा जो आज का डेस्टिनेशन था वो मेपी था, लेकिन मैं बोला था पैदल जाऊंगा बोल के, लेकिन वो लोग राजी नहीं हुआ पैदल जाने के लिए, इसीलिए यही है यहाँ का व्यू जो काफ़ी सुंदर व्यू है। सब तो पानी में उतर गया, यहाँ से भी पूरा फुल व्यू का आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। अभी इस जगह से और एक जगह पे जा रहा हूँ, मतलब वो ब्रिज का नीचे जाने का मैं कोशिश करूँगा। एक ब्रिज है, उसका ब्रिज के नीचे में भी व्यू अच्छा आता है, मैं ब्रिज के ऊपर से देखा रहा, अब उसी ब्रिज के नीचे में जाने के लिए ट्राई करूँगा। आई थिंक जा भी पाऊँगा, पहले जैकेट को ले लेता, अपना जैकेट यहाँ पर रखा गया था, जैकेट को ले लिया, अभी चलते हैं ब्रिज के नीचे में, वो लोग वहाँ पर बैठ के फ़ोटो शूट करें, और हस्बैंड वाइफ भी आया हुआ है ना, इसलिए वो लोग वहाँ पे मतलब बैठ के बातें उतें कर रहे हैं, प्लेस भी काफ़ी रोमांटिक है ना, इसलिए तो मैं तो अकेला आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब अपने फुल कंसंट्रेशन अपना वीडियो के ऊपर ही रख रहा हूँ। फ़ोटो भी मैंने खींचा नहीं, 1 या 2 ही फ़ोटो खींचा, क्योंकि मुझे फ़ोटो कोई खींच के देता भी नहीं, मुझे मैं सेल्फी लेके जो खींचता हूँ वही। और ये मतलब रोड है, आई थिंक यहाँ से मतलब बाली या पत्थर उत्थर कंस्ट्रक्शन के लिए लेके जाता है, वही रोड है ये। काफ़ी सुंदर है, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करे इसलिए इसने पत्थर को सब पत्थर को तोड़ के यहाँ पे रख दिया, शायद कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन होगा, वो तो श्योर है। मेन बात है यहाँ पे बाली बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैर गीला हो जाता है, मेरा ऑलरेडी पैर गीला हो ही चुका है, समझ में नहीं आता ना, बाली में पैर देता है घुस जाता है, आधा जूता घुस जाता है। यहाँ पे थोड़ा पहले थोड़ा रेस्ट कर लेता है, उसके बाद फिर पहले जैकेट को यहाँ पे रख देता है, मोबाइल को भी यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा ऐसा रेस्ट करके फिर यहाँ का व्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अभी थोड़ा रेस्ट कर लिया, अभी मेरा जो डेस्टिनेशन उस बड़ा सा पत्थर है ना, उस पत्थर में जाने का, उस पत्थर में जा के वहाँ से जो आई थिंक वहाँ से व्यू भी अच्छा व्यू आएगा, क्योंकि हाइट है ना, हाइट से हमेशा व्यू अच्छा आता है। तो यहाँ से जो व्यू आता है यही है वो व्यू जो माइंड ब्लोइंग व्यू है,
मतलब दोस्त लोग बुला रहा है और शायद जाने नहीं देगा वो लोग। अभी यहाँ का व्यू एक बार आप लोग के साथ मैं फुल्ली शेयर करता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। गाइस अभी हम लोग मतलब जो कार जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे आ गए। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और एक प्लेस पे जहाँ पे जहाँ से आनोनी पूरा फुल दिखाई देता है, उस प्लेस में जाकर फुल आनोनी को आप लोग के साथ एक्सप्लोर करूँगा और वहाँ पे आनोनी बल्कि लिखा भी है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं तो आप लोग के साथ फिर से भेंट होगा आनोनी में जाके। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मैं अपना घर में और आप लोग शायद सोच रहे होंगे ना मैं आनोनी से डायरेक्ट घर में कैसे पहुँच गया। मतलब क्या हुआ ना, मैं जब आनोनी मतलब मेपी से निकला ना, उसके बाद मेरा तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और आनोनी में आने के बाद जैसे तैसे मैं मतलब सो गया और सुबह में मतलब नींद से उठ के सिर्फ गाड़ी में बैठा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डायरेक्ट मतलब अपना जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास डायरेक्ट, मुझे घर में भी लेके नहीं आया, डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके गया। फिर वहाँ से मुझे मतलब डॉक्टर के पास से घर में आया, 3 दिन मैं घर में टोटली रेस्ट किया, उसके बाद आज जाके मैंने ये वीडियो शूट करो। और मेरा तबीयत ख़राब होने का जो रीज़न था वो था आननी में जो मेरा मतलब एक मतलब जो एक मतलब मेरा हैबिट है, मुझे मतलब नहाना ही है। मतलब मैं जितना भी ठंडों में नहाता हूँ तो क्या होना, आननी में जो ठंड था ना वो काफ़ी ज़्यादा था, वो सुबह में तो माइनस में चला जाता था। तो मैंने क्या किया, मैं 2 दिन आननी में रहा ना, मैं ठंड जो ठंड पानी है ना उससे नहा दिया रहा। और क्या हुआ, जिस दिन मैपी गया ना, जब मैं वीडियो शूट करता रहा तो मेरा जूता पूरा गीला हो गया ना, तो उसमें क्या हो गया, उसी से शायद मतलब जैसे मैं वीडियो करके मतलब मैपी का जो वो वाटर रिवर का जो मैंने वीडियो किया, वीडियो शूट करके जैसे मैंने मतलब गाड़ी में आकर बैठा मैपी से आने नहीं निकलने के बाद, मतलब वहाँ से मेरा बुखार उठना स्टार्ट हो गया। वो 2 घंटे का रोड है मैपी से आने का, मतलब जैसे तैसे मतलब मैं आया, उसका बाद आननी में रुका, मैं खाना भी नहीं खाया, सो गया। उसका बाद क्या हुआ, सुबह में उठा, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा, उसके बाद मुझे मतलब कुछ हुआ याद ही नहीं। मैं मतलब घर में आके कैसे पहुंचा, कभी कभी लगता रहा मैं मतलब ऐसा हो गया ना, मैं मतलब आननी के बाद जो हम लोग का जो घर का डिस्टेंस वो 12 आवर्स का डिस्टेंस है, टोटली हिली एरिया में मुझे मतलब कुछ मालूम ही नहीं था। मैं मतलब कैसे आया क्या नहीं, मतलब इतना तबीयत ख़राब हो गया था। जो भी हो तो ये था, मतलब इसलिए मैं एकदम डायरेक्ट अभी मैं घर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आननी का जो ट्रिप है, आई थिंक मैंने आप लोगों को अच्छा ही दिखाया होगा, लेकिन मैपी में जा नहीं पाया, मतलब गाड़ी नहीं गया, इसलिए मैं मैपी जा नहीं पाया। तो मैं आननी का कुछ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडिया का कहीं पे भी हो, अगर आननी आना चाहते हैं तो आप लोग को तो पहले असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से आप लोग को पहले जाना होगा रोइंग शांतिपुर जाके, एक इनर लाइन परमिट का गेट है, वहाँ पे जाके आप लोग को इनर लाइन परमिट इशू कराना होगा। इनर लाइन परमिट के बाद आप लोग चला जाए रोइंग से एक के दिन में चला जाता है। और आननी का रोड जो कंडीशन है ना, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ रोइंग के बाद आननी का रोड कंडीशन 90% रोड फुल्ली ओके, कुछ भी ख़राब रोड नहीं है, मस्त रोड हो गया। मैं दो साल पहले जब गया था वहाँ का रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट अभी सबसे ज़्यादा अच्छा रोड हो गया रोइंग से आननी का रोड। तो मतलब कोई भी बोलता है आननी का रोड ऐसा भी कुछ डेंजर है नहीं, बहुत मस्त रोड है और वहाँ का जो लोकल पीपल लोग भी बहुत अच्छा, आप लोग बेझिझक होकर आननी घूमने जाइए, बहुत 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 ही खूबसूरत मतलब प्लेस है और ये चाइना बॉर्डर भी है। तो इस आननी ट्रिप में आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया, आई थिंक आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मैं तो हमने अपना तरफ से 100% दिया, तो बाकी गॉड नोज। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद।